छोटा वाला है ये, बाहरी है, मतलब कह सकते हैं इसको, ये मेरे पे गया है। पनीर की सब्जी और रोटी। आज हम बताने वाले हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी जस्ट उठा हूँ और अभी टीटी खेलने जाऊँगा। मेरा जो फर्स्ट ब्लॉग का रेस्पॉन्स है बहुत ही अच्छा लगा, और जैसे आपने प्यार दिया और काफ़ी स्टूडेंट्स ने मैसेज भी किया कि सर आप अपनी फैमिली के साथ ब्लॉग करिए, और मैंने सोचा है कि एक ब्लॉग और मैं आपके साथ करता हूँ और कुछ ब्लॉग करते हैं आपके साथ। अगर लगेगा कि हाँ अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है और आप बहुत पसंद कर रहे हैं तो ज़रूर मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा। आज अपने फैमिली के साथ मैं लंच पे जाने वाला हूँ, तो मिलते हैं कार के अंदर और करते हैं शुरुआत इस ब्लॉग की एक स्माइल के साथ। आज हम जा रहे हैं एक अच्छे से रेस्टोरेंट में और वहाँ हम सब ब्रदर सिस्टर मिलने वाले हैं, और जीपी सर को भी आज टाइम मिला है, टाइम नहीं मिला है उसमें से टाइम चुराया है। मैं फर्स्ट टाइम आपके साथ सामने आई हूँ, आज मैं आपको जीपी सर के बारे में बताना चाहूँगी। जीपी सर की मॉर्निंग स्टार्ट होती है 6:30 के बाद में जीपी सर जाते हैं 7 to 8 टीटी खेलने के आने के बाद उनका थोड़ा सा नाश्ता तैयार रहता है, फिर वो अपना स्टाफ नीचे आ चुका होता है उनके साथ में वो थोड़ा बैठते हैं, और 9:30 तक वो कॉलेज के लिए निकल जाते हैं, 5 o'clock तक आ जाते हैं। उसके बाद में उनका नीचे स्टूडियो में उनका टाइम स्पेंड शुरू होता है, 6 o'clock से उनकी क्लासेस फिर से स्टार्ट होती है, तो टाइम वो बहुत कम दे पाते हैं। हमारा क्वालिटी टाइम अधिकतर संडे ही होता है। हेलो, आशय, ये आशय है, इसको जूनियर जीपी सर भी कहा जा सकता है क्योंकि इसकी काफ़ी हैबिट्स जीपी सर से मिलती है, और ये बहुत नोटी है और मस्तीखोर है, और ये है मानस जो मेरे जैसा है, थोड़ा मतलब बोलता कम है इतना भी नहीं यार, लेकिन काम ज्यादा करता है, इतना भी नहीं यार। सो मिलने वाले हैं आज हम लोग अपने फैमिली के साथ, और फैमिली के साथ एंजॉय करने वाले हैं, और थोड़ा बहुत मैं अपने फैमिली का इंट्रोडक्शन दूंगा क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मेरा जो फर्स्ट व्लॉग था उस पर कमेंट थे कि सर आपने फैमिली के बारे में थोड़ा बताइए। और फैमिली वाला जो व्लॉग है ये 2-3 में एक सीरीज़ में लेके आने वाला हूँ जिसके अंदर पूरा मैं आपको बताऊँगा मेरे परिवार के बारे में, और कैसे मैं अपना दिन बिताता हूँ अपने फैमिली के साथ, और किस तरह से मैं बच्चों के लिए टाइम निकालता हूँ पढ़ाने के लिए। सो वो सब मैं आपके सामने बताने वाला हूँ इस व्लॉग में, और प्लस हमारे एक जगह हमने रेस्टोरेंट पे आज लंच रखा है तो फैमिली के जो मेम्बर्स हैं वो मिलने वाले हैं। सो मिलते हैं। गायब है इसके फ्रेंड्स ये दोनों बच्चे जो हैं इसमें से जो बड़ा वाला बच्चा है ये थोड़ा सा सिंसियर है पढ़ाई में भी ठीक करता कर लेता है स्पोर्ट्स में थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखता है और अभी थोड़ा कोडिंग सीख रहा है बट ये जो छोटा वाला है ये बाहरी है मतलब कह सकते हैं इसको ये मेरे पे गया है और काफ़ी सारी शैतानियाँ करता रहता है, और चलता है ठीक है, घर में सब छोटे होते हैं उनके साथ ऐसे होता है, मैं भी मेरे घर में सबसे छोटा था तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, लाइक कि सबका प्यारा और सबका चहेता टाइप का, और फिर मतलब मस्ती खोर इस टाइप से, तो ये भी इसी टाइप का है। सच में ये होने वाला है सबके फर्स्ट में, और स्कूल नेम भूला, क्यूरियस किड्स कैंपस और क्लास वन आई एम इन 6th क्लास एंड आई एम इन विटी इंटरनेशनल स्कूल। सर खाने में क्या ऑर्डर करने का इरादा है? यार खाने में मेरे को देसी ज्यादा अच्छा लगता है, मेरे को लाइक पनीर की सब्जी और रोटी। देखते हैं जीपी सर क्या ऑर्डर करते हैं। मेरा तो खाली नाम है, बाकी ऑर्डर नहीं का होगा, जो भी होगा वो पास्ता पिज्जा और पनीर की सब्जी और रोटी। पास्ता पिज्जा पनीर रोटी वो सब कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे, वहाँ पे सिर्फ खाना मिलेगा। वो खाना ही तो होता है। पनीर रोटी खाना है, पनीर रोटी और सूप और चाउमीन और पनीर और
ये थोड़ा साउथ इंडियन है, जब ये हुआ था तब हम लाइक चेन्नई एक्सप्रेस देखने गए थे, बहुत ही अच्छी हिल्स है यहाँ पे और काफी अच्छा लगता है ड्राइव करना ऐसी जगह। आपको आशा मैथ्स अच्छी लगती है, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है बताओ? मुझे हिंदी और मैथ्स। हिंदी और मैथ्स क्यों? हिंदी क्यों अच्छी लगती है बेटा बताओ? हिंदी क्यों अच्छी लगती है आपको बताओ? क्योंकि उसमें है ना हिंदी होती है। सो अभी जस्ट टेबल अलॉट हुई है और हम लोग बैठ रहे हैं, गेस्ट अभी आने वाले हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके अंदर। मुझे यहाँ पे खाने में देसी जो टेस्ट होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है और मैडम घर पे जो खाना बनाती है वो बेस्ट है, बाहर का खाना कभी मैं प्रेफर करता हूँ, बट ठीक है फैमिली को क्वालिटी टाइम देने के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल मैडम धन्यवाद। वैसे मैडम के हाथ का खाना बहुत अच्छा है, काफ़ी टेस्टी बनाती है, इसलिए मेरे को मोटा कर दिया। शादी से पहले मैं बहुत दुबला था और अभी काफ़ी मोटा हूँ मैं। कैसे हो भाभी? बोलो कुछ, बोलो बोलो। हेलो, आप मेरे को कैसे बोलते हो? आप मेरा नाम क्या रखा है आपने बताओ? हेलो डब्ली बेटी। मेरे को डब्ली बेटी बोलते हो आप लोग? आप क्या बोलते हो मुझे बताओ? डब्ली बेटी। डब्ली बेटी, और मैं आपको क्या बोलता हूँ? डब्ली बेटी। अच्छा डब्ली बेटी। हेलो, ना डब्ली बेटी बहुत नॉटी, हमको ना कभी कभी काटती भी है। सो हमने खाना ऑर्डर कर दिया है यहाँ पे और यहाँ पे जो ढाबे वाली दाल है बहुत फेमस है, प्लस लहसुन या पनीर है वो भी हमने ऑर्डर किया है। जीपी सर के बहुत बिजी लाइफ है, आज हम अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं खाना, फैमिली भी साथ में आ गई। अभी मैं कोई शिकायत नहीं करूँगी, बाद में सारी शिकायत सिर्फ एक ही रहती है, मुझे टाइम नहीं देते हैं, बाकी सब अच्छा है। जीजू ना जब भी उनको कहीं बोलो कि कहीं बाहर चलना है तो कहीं नहीं, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, बस टाइम नहीं है उनके पास। बाकी जीजू मस्त बिंदास। जीपी सर मेरे बहुत बड़े मेंटर रहे हैं, आज जब मैंने ड्रॉप लिया था तब मैं यहीं उदयपुर रहती थी, तब जीपी सर ने बहुत गाइड किया है मेरे को इमोशनली और पढ़ाई वाइज भी, उन्होंने बताया था क्या करूँ कैसे करूँ ताकि एग्ज़ाम क्लियर हो पाए। जीपी सर उसैन बोल्ट के कंपटीटर हैं, जिस तरह से उसैन बोल्ट दिन भर दौड़ता रहता है उसी तरह से वो भी दौड़ भाग करते रहते हैं। हाँ जीपी सर मेरे को ब्रदर हैं और वो काफ़ी प्रेरणादायी है, उनसे काफ़ी इंस्पिरेशंस मिलती है मुझे। कभी कभी मुझे फील होता है कि मैं बच्चों को इतना टाइम देता हूँ और काफ़ी लाइक अपने काम में बिजी रहता हूँ तो फैमिली को इतना टाइम नहीं दे पाता हूँ, तो सबकी थोड़ी कंप्लेंट रहती है कि टाइम नहीं दे पाते हैं हमें फैमिली के लिए, बट क्या करें, कहीं ना कहीं बैलेंस करने में थोड़ा सा रहता है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फैमिली को भी बैलेंस करूँ अपने काम के साथ साथ, तो वही कोशिश करता हूँ, पर जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है काम। दाल बाटी को हाथ से खाने का मजा ही कुछ और है और अब राजस्थानी लोग हैं, दाल बाटी बड़े एंजॉय से खाते हैं, सो बस एंजॉय कर रहा हूँ मैं दाल बाटी का, आप भी करिए चटनी के साथ दाल बाटी कुछ और ही है। हाय दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं बॉडी कैंडो। हाय दोस्तों, आप कितने बढ़िया हो और खाना भी कितना मस्त लग रहा है मुझे। सो फ्रेंड्स, फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा लगा और काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया और मैं अपना ब्लॉग यहीं फिनिश करता हूँ। और कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।